सीक्रेट बता, तूने मोंटू को कहीं वो क्रैश कोर्स की ट्रेनिंग पहले ही नहीं दे दी ना? अरे नहीं। अरे पुकी, ये सवाल तू मानो को नहीं, मेहर को पूछ, और ये भी पूछ, किसे माइक चाहिए क्या? उसे बताना पड़ेगा ना किसे कैसा महसूस हो रहा है। और मेहर, नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। मैं उस पतंग को जाने नहीं दूंगी, वापस लेकर ही रहूंगी। अरे क्या कह रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हम ना एक बात फिक्स कर लेते हैं। हाँ फिक्स नहीं फिक्स, हाँ वो वही सेम टू सेम। देखो हम फिक्स कर लेते हैं, आप एक सीटी बजाओगे तो आपको पानी चाहिए, आप दो सीटी बजाओगे तो आपको चाय चाहिए, हाँ, और आप तीन सीटी बजाओगे तो आपको पंच चाहिए। हाँ मोटा भाई देखा, तीन बार सीटी बजाई, इनको पंच चाहिए, मैं देता हूँ पंच। ए, ए, ए। रॉकी नहीं, माँ का पति, माँ पंच नहीं लंच। वही सेम टू सेम। ठीक है तो अब आप सीटी बजा के बताइए कि आपको क्या चाहिए। ए, माँ आपका आइडिया फ्लॉप है। माँ बाबूजी ने चार सीटी मारी, देखो ना। हाँ। देखो हमने ये चार बार सिटी का अभी फिक्स नहीं किया है, ऐसा मत कीजिए आप। ये एक मिनट माँ, एक मिनट बापूजी, मैं आपको पेन और पेपर देती हूँ, आप लिख कर बताइए आपको हाँ। क्या चाहिए। ये लीजिए। डॉक्टर, अच्छा चौथी सिटी मारेंगे तो डॉक्टर है ना बापूजी? ऐसा बोले ना तो फिर। चलो अभी फिक्स है, अभी एकदम फिक्स। एक सिटी यानी पानी, दो सिटी यानी चाय, तीन सिटी यानी पंच लंच, और चार सिटी यानी डॉक्टर। हाँ हमें तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए ना सिटी निकालने के लिए। हाँ बुला। एक मिनट, एक टेरिफिक आइडिया मेरे दिमाग में आया। माँ डॉक्टर यहाँ के क्या करेगा, वो ऐसा वो पकड़ से बापूजी के गले में से अंदर से ऐसा वो सीटी खींच के निकालेगा बराबर। हाँ। माँ कामों का खर्चा क्यों करने का, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। सीटा जाओ, पकड़, टॉर्च चिमटा जो मिले वो लेके आ जाओ। अरे आप सीटी मत बजाइए, अब आप सीटी बजाएंगे तो सीटी अंदर तक चली जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जी फिर मुझे तकलीफ होगी ना। मत, अरे सिटी के साथ एक डाल भी निकल जाएगा फिर आपका, हिलिए मत। नहीं सिटी दिख नहीं रही है, शायद अंदर गले के अंदर उतर गई है सीधा। अरे जल्दी सिटी निकालो भाई, मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है। बोलो यहाँ बापूजी इतनी तकलीफ में है और इसे सिटी लेके बाहर खेलने जाना है। मैं दूसरी सिटी ला के दूंगी। पता नहीं आगे जाकर मेरा ये क्या हाल करेंगे। ये कमाल के चूते, मेरे कदम रखने पर भी हो नहीं रहा कोई भी असर बहादुर के अग्नि रेखा जादू का। अब बड़े आराम से देखूंगा मैं परी पतंगा के पराक्रम के है कैसे उठाती वो बच्चों को पतंग महोत्सव से। मेरी पतंग कहाँ चली गई? ये तो सास ससुर के परिवार की बच्ची बहन है, ये बालवीर की दोस्त भी। उठा लिया अगर परी पतंगा ने इसे तो होगा एक प्रकार से बालवीर पे ही वार। अरे वाह, लेकिन है कहाँ वो परी पतंगा।
फेवरेट पतंग कट गई। मिल गया मुझे मेरा अगला शिकार, क्योंकि इसे भी है पतंग से प्यार, इसलिए बनेगी मेरा शिकार। अब इसे पतंग टोकरे जाकर उसी डोर से बांध, ताकि ये मेरे लिए मणि लेकर आ सके। आ गई परी पतंग। बेटा क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो तुम? वो मेरी फेवरेट पतंग कट गई, इसलिए मैं उदास हूँ। ओ, लगता है पतंग बहुत अच्छी लगती है तुम्हें। हाँ, मुझे पतंग बहुत अच्छी लगती है। जिस बच्चे को है पतंग से प्यार, वो बनेगा पतंगा का शिकार। वो कितने कलरफुल होते हैं। मुझे दादाजी हमेशा कहते हैं कि पतंग हमें खुले आसमान में उड़ना सिखाती है। मुझे भी पतंगों की तरह लहराना और खुले आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। खुले आकाश में उड़ना है ना तुझे? ठीक है, मैं उड़ाऊंगी तुझे। तैयार हो जा अपनी आखिरी उड़ान भरने के लिए। अरे मत करो अपना समय व्यर्थ, उठा लो इस बच्ची को। और वो हमें ये। आंटी, आंटी कहाँ चली गई? वो अभी तो यही थी। पता नहीं। वाह, कितनी ब्यूटीफुल पतंग है। हाँ, मैं काम करती हूँ, मैं इस पतंग को लेकर जाती हूँ और सबको दिखाती हूँ, सबको बहुत अच्छा लगेगा। बाडू भाई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, लेकिन तुम यहाँ वो भी बच्चे के रूप में? वो आया मैं भी यहाँ पतंग उड़ाने का आनंद लेने बालवीर। तो बाडू भाई, अरे बालवीर नहीं, बल्लू। गया था मैं, भूल ही। ये देखो बालवीर, बल्लू है ये पतंग मेरी। हाय दी रानी परी ने मुझे ये पतंग, ये देखो। वाह, बहुत खूबसूरत है। और ये देखो बल्लू, है दी बाल परी ने मुझे ये डोर। और है पता तुम्हें है क्या विशेषता इसकी? नहीं। अरे है बनी ये डोर बाल परी के मजबूत बालों से। हाँ, नहीं काट सकते किसी भी लोग की कोई भी डोर इसे। और है मजे की बात ये कि उड़ाने वाले की नहीं कट सकती उंगलियां भी इससे। अच्छा। हाँ, ये डोर तो बहुत ही अच्छी है। हाँ। लेकिन डुबा डुबाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाओ उन बच्चों के साथ पतंग उड़ाओ। अरे देखो पतंग स्पर्धा शुरू हो चुकी है। मोंटू, केवल, मानव, सलोनी, वानी, पुकी सब। अरे हाँ, मेहर, मेहर कहाँ है? वो तो अपनी कटी हुई पतंग के पीछे भागी थी, लेकिन अब तक लौटी क्यों नहीं? बालवीर, बल्लू, हुआ क्या? कुछ नहीं डुबा डुबाई, तुम जाओ बच्चों के साथ खेलो, मैं आता हूँ। चला मैं तो पतंग उड़ाने। कहाँ होगी मैं? देता हूँ तुम्हें चुनौती, कल पतंग महोत्सव में
हो जाएंगे सारे बच्चे कहीं कहीं तौबा तौबा के अनुसार भयंकर परी कोई चाल तो नहीं चल रही। मुझे मुझे मेहर को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। कहीं मेहर संकट में तो नहीं फंस गई। मुझे मुझे अभी जाके पता करना चाहिए कि आखिर ये मेहर गई कहाँ। अचानक गायब कहाँ हो गई? कहीं तौबा तौबा और भयंकर परी ने उसे अगवा तो नहीं कर ली? अगर ऐसा है तो मैं उनके मकसद को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे महर को किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। बालवीर, हाँ कहा ना मैंने तुम्हें कि ले जाऊंगा उठा के बच्चों को तुम्हारी नाक के नीचे से। लो उठा लिया ना तुम्हारी दोस्त को। वो भले ही उठाया परी पतंगा ने उसे, लेकिन हुई तो चुनौती मेरी पूरी ना। अब ढूंढते रहे ना उसे यहाँ वहाँ। अरे नहीं मिलेगी वो तुम्हें। मेहर, मेहर। वाह है लगता आकाश कितना अच्छा सुंदर रंग बिरंगी पतंगों से है। आरा कितना मजा लड़ाने में पैच और काटने में पतंग इस मजबूत डोर से जो है बनी बाल परी के बाल से। चलो नहीं कितना मजा आ रहा है ना। हाँ बहुत मजा आ रहा है। पर ये मैं भी ना ये मजा छोड़ के पता नहीं अब उस कटी हुई पतंग के पीछे भाग गई। वाह भालू भी गायब हो गए। हो सकता है वो लोग छुपन छुपाई खेल रहे हो। अरे छुपाने ढील ले। हाँ ले 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 सॉरी सॉरी सॉरी। वेरी गुड मानव। इसके साथ ही तुम्हारा स्कोर होता है 7 और तुम सबसे आगे हो और मंटू तुम्हारे पीछे है जिसका स्कोर है 6। बॉस मैं क्या बोलता हूँ, मैं कब से फिर की पकड़ के खड़ा। थोड़ी देर मुझे ही पतंग उड़ाने दो ना, ठीक ना। 2 मिनट में यहाँ की सारी पतंग काट दूंगा। अभी चुप गधे कहीं के, पता नहीं स्पेशल पतंग है, इसके ऊपर फैन लगा हुआ है। ये गधे तू इस पतंग को उड़ा नहीं पाएगा, उसका पतंग तुझे उड़ा के लेके जाएगी। स्पेशल पतंग है, चुपचाप फिर की पकड़। काहे की स्पेशल पतंग? बॉस स्कोर बोर्ड देखो, मानव ने 7 पतंग काटी और 6। अरे बेवकूफ तू मुझे बातों में उलझा के रखता है ना, इसीलिए। अरे चुपचाप तुझके पकड़ नहीं तो दूंगा ही। अब बस देख मॉन्टे द ग्रेटेस्ट लखानी का कमाल। देख अब देखना सलोनी की बारी है। के साथ ही मानव और मंटू का स्कोर एकदम बराबर हो गया है ड्रॉ में। अब देखते हैं सबसे ज्यादा पतंग कौन काटता है और कौन विजेता होता है। मानव तक तो मंटू ठीक से पतंग भी नहीं उड़ा पा रहा था, आज उसने इतनी सारी पतंगें काट दी। ना मुझे लगता है मंटू चीटिंग कर रहा है। करने दे, जो गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में गिरता है। मंटू ने गड्ढा खोदा? कब, क्यों, कहां? अरे सॉरी कॉन्सेंट्रेट। देखा मेरे इम्पोर्टेड मांझे का कमाल, एक भी पतंग नहीं टिक रही है मेरे मांझे के सामने। अब देखना 5 मिनट में पूरा आसमान खाली हो जाएगा सिवाय मेरे पतंग के।
है बड़ा इतना सा ये मोटा अपने जोर पे, है लगता मुझे कि पड़ेगी दिखानी इसको बाल परी के बालों की शक्ति, काटूंगा इसकी पतंग। केवल देख और एक बकरा आ गया कटने के लिए, चल लपे। नहीं बस इस पर ढील दे। मैंने बोला ना लपे तो लपे। नहीं बस बोल रहा हूँ ढील दे दे तो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना लपे। मैं बोल रहा हूँ ना बोल। मेरी बात सुनेगा कि नहीं? नहीं बस मेरी बात सभी लोगों ने बोल। चुप लपे। नहीं बस ढील दे। किसने काटी मोंटू तो ग्रेटेस्ट लगाने की पतंग? आ गया फंसा इस मोटे की पतंग काट के। लेकिन मोंटू में कैसे हो सकता है? और की भाई रे मुझे कैसे पता? इन टिड्डियों को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मेरी सिंगापुर वाली पतंग पकड़ के आता हूँ। दुष्ट पतंग, मैं जानता हूँ कि तू कोई बुरी शक्ति है, छोड़ दे इस बच्ची को, कहाँ ले जा रही है इसे? बेवकूफ पक्षी, तू होता कौन है मुझसे ये पूछने वाला? मेरा नाम पक्षायु है, तेरे जैसी ही कोई बुरी शक्ति के श्राप से मैं पक्षी बना हूँ। ओ तो अभी कमजोर पक्षी मुझसे युद्ध करेगा? हाँ करूँगा, और इस बच्ची को तेरे चंगुल से छुड़ाकर ले भी जाऊंगा। अच्छा तो ये ले। नन्हे से दिमाग पर इतना जोर मत डाल। मैं बताती हूँ कि मैं कौन। मैं हूँ पतंगा परी और ये है मेरा पतंग लोक। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? क्योंकि तुम्हें पतंग अच्छी लगती है, और जिस बच्चे को है पतंग से प्यार वो बनता है पतंगा का शिकार। वो देख, वो है मेरा पहला शिकार और तुम दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ढेर सारे बच्चे लटकेंगे उस डोर पर। लेकिन पतंगा परी आप ऐसा क्यों कर रही है? बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका? कमजोर बच्चे मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मुझे तो मुझे वो चाहिए, वो मनी। पतंग से प्यार करने वाले बच्चों को उस डोर पे बांधूंगी, फिर पतंग की तरह उड़ाकर उस मणि तक ले जाऊंगी, ताकि तुम मुझे वो मणि ला कर दो। करोगी ना मेरा ये काम? करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। देखो मुझे छोड़ दो, क्योंकि अगर बालवीर को पता चल गया ना तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। बालवीर, वो बच्चों को बचाने वाला बालवीर, वो क्या बिगाड़ेगा? वो मुझ पे वार करे, उससे पहले ढेर सारे बच्चों को लाकर उस अग्नि कुंड के ऊपर लटका दूं।
फिर उन बच्चों के जरिए जैसे ही मैं वो मणि प्राप्त कर लूंगी, मैं बन जाऊंगी सर्वशक्तिमान, और तुम्हारा बाल भी मुझे छू भी नहीं पाएगा। तीनों लोकों में मेरा राज होगा, पतंगा का राज। तैयार हो जाओ लटकने के लिए। नहीं तुम्हें ज्यादा देर अकेले नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ ना तुम्हारे दोस्तों को लाने। अरे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे आप? देखो जब तक आपकी ये मुंह की सीटी बाहर नहीं आएगी तब तक आप बाहर नहीं जाएंगे। अरे बाहर जाएंगे, लोग आपको ऐसे सीटी बजाते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? उनको लगेगा कि ये इस आदमी की उम्र तो देखो, इस उम्र में ये आदमी ये सीटी बजा रहा है, ये सीटी बजा रहा है। मुझे जाने दो, अगर नहीं गया ना तो तुम लोग मेरी बैंड बजा दोगे। महेश देखिए ना, बाबूजी की तकलीफ बढ़ रही है, जरा जल्दी कुछ सोचिए ना। आइडिया, आप तो यहाँ पे एक मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप? यही ना कि रॉकी का आइडिया एकदम बेकार होगा। होने दो, अब मेरा मतलब है उसे भी तसल्ली हो जाएगी कि उसने भी थोड़ा फ्राई किया है ना। ये आज मुझे फ्राई करके ही छोड़ेगी। फ्राई नहीं माँ, ट्राई ट्राई। हाँ वही सेम टू सेम। देखो क्या, अरे क्या रॉकी भैया, ये क्या वैक्यूम क्लीनर क्यों लेकर आए? भाभी आपको याद है एक बार मेरे पेन की कैप वो सोफे के नीचे चली गई थी, तो वो मेरे हाथ से ऐसे ऐसे आ नहीं रही थी, तो मैंने इस वैक्यूम क्लीनर से करके बाहर निकाल ली। इसी तरीके से मैं इस वैक्यूम क्लीनर को बापूजी के मुंह में डालूंगा और गले से सीटी बाहर निकाल लूंगा। करेक्ट करेक्ट। मोटा भाई, माँ आप लोग कसके पकड़ो, मैं अभी बाहर निकालता हूँ। आइडिया अच्छा है बापू जी, चलो यही मौका है, भाग लेता हूँ, वरना ये रॉकी मुझे वैक्यूम क्लीनर के अंदर घुसा के ही रहेगा। हाय हाय, तेरे बापूजी कहाँ गए? अरे कहीं बापूजी वैक्यूम क्लीनर के अंदर तो नहीं चले गए? अरे जोक जोक था, जोक था। चार अंकी भैया। जोक करने का टाइम है। जोक कर। बापूजी बापूजी ढूंढा नहीं है। ये पक्षी इतना घायल कैसे हो गए? कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। देखिए अब आप बिल्कुल ठीक हो गए, आप उड़ सकते हैं। धन्यवाद, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे आप बोल भी सकते हैं? मैं हूँ पक्षायु, तुम बालवीर हो ना, बच्चों के दोस्त। हाँ, लेकिन आपका ये हाल किसने किया? एक पतंग ने, जिसने एक बच्ची को बंधक बनाया है। एक पतंग जिसने एक बच्ची को बंधक बनाया है? हाँ, वो कोई साधारण पतंग नहीं थी, कोई बुरी शक्ति थी वो। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मुझे घायल कर दिया। ये पतंग ने जिस बच्ची को बंधक बनाया है वो कहीं है तो नहीं है? बालवीर मैं तो उस बच्ची को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम बचा लो। देखिए पक्षाई, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उस बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा,
ठीक है, अब जाइए। आखिर वो पतंग है कौन और उसका पता कैसे मिलेगा? मुझे रानी परी से बात करनी चाहिए, शायद वो मुझे कुछ बता सके। मिले बापूजी? मिले नहीं बापूजी? मिले बापूजी? अरे ये तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बापूजी को ढूंढ निकालने का स्वादिष्ट आइडिया है मेरे पास। मैं अभी आई। स्वादिष्ट आइडिया मतलब क्या? पता नहीं। चलो चलो तुम्हारे बापूजी को ढूंढो। बापूजी के लिए उनके फेवरेट नूडल्स। अच्छा, इसलिए बोल रही थी ताकि बापूजी को इसकी खुशबू जाए और अपने आप बाहर निकल जाए। स्वादिष्ट आइडिया। ने क्या किया? कोई बात नहीं, जाओ और मुंह धोकर आओ। रुक, 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 रुक। बॉस, कहाँ की बदन दी आपकी? सिंगापुर। वापिस सिंगापुर ही चली गई। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। बॉस, ये मांजे पे अच्छी क्वालिटी का कलर लगा देना, ये मेरा हाल नहीं होता। चुप। अरे सादा चपड़ चपड़ मत कर, मेरी पतंग गई। लगता है बच्चों को भी है पतंग। अब यही बनेंगे मेरा अगला शिकार। वाओ, क्या ब्यूटीफुल पतंग है। हाँ, ऐसी पतंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी। केवल, यह पतंग मुझे दे दे केवल। नहीं दूंगा बॉस, ये मेरी है। दे दे केवल। लड़ क्यों रहे हो बच्चों? ये सांबा, आप कौन हो? शिकारी। और तुम दोनों हो मेरे शिकार। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? पिता रोकी माँ, ये कमरे में से सिटी की आवाज आ रही है। बापूजी यहाँ है। अरे अच्छा, बापूजी सुनिए, कहाँ हो आप? बापूजी, बापूजी कहाँ गए आप? बापूजी, बापूजी महेश चल दिया। देख, बापूजी की सीटी की आवाज यहीं से आ रही है। लगता है इनमें ही है वो। खोल इसे जल्दी। हाँ, ये अलमारी तो लॉक्ड है। तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि बापूजी अंदर गए कैसे होंगे। अरे तू ये सब छोड़ ना, अलमारी की चाबी ढूंढ। चल चाबी। माँ,
वो अलमारी की चाबी तो पक्की गुम हो गई है। क्या? एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमें इस अलमारी की चाबी ढूंढनी है या फिर बापूजी के गले से ये सीटी निकालनी है? ए रॉकी, जब अलमारी खुलेगी तो सीटी उसमें से बाहर निकलेगी कि नहीं? लेकिन एक मिनट, बापूजी के गले में वो सीटी है ना, अलमारी में थोड़ी ना। रॉकी, जब चाबी मिलेगी तो अलमारी खुलेगी ना, और अलमारी एक बार खुलेगी तो बापूजी उसमें से बाहर निकलेंगे, और बापूजी एक बार बाहर निकलेंगे तो उनके गले में से सीटी निकलेगी कि नहीं? तो क्यों इससे बहस कर रहा है? तू छोड़, तू अलमारी की चाबी भी मत ढूंढ, तू इसका दरवाजा ना तोड़ दे। अरे तुम्हारे बापूजी को अंदर तकलीफ हो रही होगी। बालवीर, ऐसा कैसे हो सकता है? एक पतंग ने पक्षियों को घायल कर दिया और एक बच्चे को उठाकर ले गए, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। रानी परी, हो सकता है वो पतंग कोई बुरी शक्ति हो जो पतंग के रूप में आई हो। कोई बुरी शक्ति? कौन हो सकती है वो बुरी शक्ति? वो तो मुझे नहीं पता अटकज परी, लेकिन मुझे महर की चिंता हो रही है रानी परी, क्योंकि मुझे लगता है वो पतंग जिस बच्चे को उठाकर ले गई है वो महर ही होगी। बालवीर, आप चिंता मत कीजिए, हम उस बुरी शक्ति के बारे में तुरंत पता लगाएंगे। रानी परी, कहीं वो बुरी शक्ति पतंगा परी तो नहीं है? पतंगा परी? हाँ बाल परी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। पतंगा परी, ये कौन है? उसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है बालवीर। पतंगा परी के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो बहुत ही बुरी शक्ति थी और कई बच्चों को उठाकर भी ले गई थी। लेकिन बालवीर, आश्चर्य की बात तो ये है कि पतंगा परी कई सदियों से निष्क्रिय है। तुम्हें कैसे छोड़ सकते? क्योंकि जिस बच्चे को है पतंग से क्या, पतंग से क्या, पतंग वो बनता है मेरा शिकार। ये कतार लंबी होती जाए, उस अग्नि कुंड को पार करके तुम लोग मेरे लिए वो मणि लेकर आओगे। मेरा परसों बुलाना, परसों मेरा परसों सर्वशक्तिमान बनने का सम्मान, बनने का सम्मान, बनने का सम्मान साकार होगा। रानी परी, अगर ये कार्य पतंगा परी का है तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी सदियों बाद उसने ऐसा क्यों किया होगा। हाँ बात, हम भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शायद उस चुनौती की वजह से जो कल मुझे तौबा तौबा ने दी थी। चुनौती? कैसी चुनौती बालवीर? दरअसल तौबा तौबा कल पृथ्वी लोक पर आया था और वहाँ उससे मुझे चुनौती दी थी। देता हूँ तुम्हें एक चुनौती, कल पतंग महोत्सव में हो जाएंगे सारे बच्चे। और इसीलिए मैंने पृथ्वी लोक पर जादू कर दिया था ताकि वो अपना कदम पृथ्वी लोक पर ना रख सके, और शायद इसीलिए वो पतंगा की मदद से बच्चों का अपहरण करवा रहा है, क्योंकि पतंगा उड़ते उड़ते ये काम कर सकती है। लेकिन अब मैं पतंगा को रोकूंगा इससे पहले कि वो किसी और बच्चे को उठा कर ले जाए। रानी परी, मुझे पृथ्वी लोक पर जाना होगा, आज्ञा दीजिए। हाँ बालवीर, जाइए, हमारी आज्ञा है। और हम यहाँ गुप्तचर परियों के द्वारा पतंगा परी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। जी रानी। इतने सारे बच्चे,
दिन सबको है पतंग से प्यार, अब सब बनेंगे मेरा शिकार, अब इन सबको भी ले जाओ। मणि पाने का मेरा बरसों पुराना सपना आज ही पूरा हो जाएगा। अरे इसके साथ ही मानव की पतंग कट गई है, लेकिन मानव का स्कोर फिर भी सबसे हाईएस्ट है। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पतंग काटता है। अरे यार मुझे इंटर करना चाहिए था, है ना? अरे पर मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तू तो नंबर वन पोजीशन पे सिक्स। इसे तो पक्का पतंग से प्यार है, सबसे पहले मैं इसे ही ले जाऊं पतंगों को। आ गया, आ गया एक और बालवीर का दोस्त परी पतंगा के झांसे में। परी पतंगा, ले पकड़ इसे, ले जकड़ इसे अपनी डोर से। है नहीं अब तू महामणि से अधिक दूर, और हूँ नहीं मैं भी प्रधान बनने से अधिक दूर। देखो बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, मैं मानो बताओ। देखो बच्चों चिंता मत करो, मैं मानो को खुश नहीं होने दूंगा, ठीक है? तबा तबा, तुम यहाँ कैसे आए और तुमने पृथ्वी लोक पर कदम कैसे? कदम हो रहा है ना तुम्हें आश्चर्य, ये चल क्यों नहीं रहे मेरे ये कदम तुम्हारी अपनी रेखा जादू से? बालवीर है ये सब कमाल इन जादुई चूतों का है जो छुपाए मैंने तुम्हारी प्यारी नटखट परी की प्रयोगशाला से। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पतंगा परी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हाल में मानव को बचा के ही रहूंगा। बापूजी आप ठीक तो है ना? बापूजी आप चिंता मत कीजिए, हाँ महेश कुछ करेंगे। हाँ बहू, अब महेश भी क्या कर सकता है, तुम्हारे बापूजी भी ना ऐसे कबाट में छुप गए जिसकी चाबी खो गई है। हाँ। अरे ये क्या कुछ भी बोल रही है, अरे छुपते वक्त मुझे थोड़ी पता था की सलमारी की चाबी गुम हो गई है, अब क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? ये सीटी बजाते बजाते गला सूख गया है, प्यास भी लगी है, लेकिन इनको बताऊं कैसे? अरे हाँ, कागज पे लिख के देता हूं।
बन गई, पैसे तो निकल नहीं रहे और रसीद निकल रही है। अरे रसीद नहीं चिट्ठी है। चिट्ठी है? ए रुको सुधा, रुको रुको, पढ़ना मत पढ़ना मत। माँ मैं समझ गया हूँ, बापूजी आपको ऐसी कोई बात बताना चाहते हैं जो वो कहने से शर्मा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे चिट्ठी भेजी है आपके लिए। भाई तुम्हारे बापूजी को प्यास लगी है, अब मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे पर बहू तुम पानी तो लेकर आओगे पर हम पिलाएंगे कैसे? सॉरी भाभी आप पानी लेके आइए, मैं अभी आता हूँ। हाँ। समझ गया मैं। माँ ये क्या आइडिया निकलेगा पता है? वो है ना पिचकारी लेके आएगा, यहाँ से पिचकारी मारेगा, बापूजी वहां से पानी पी लेंगे। भाभी पानी दीजिए। बाइक लेके आया है रॉकी, वाह क्या बात है। बाबूजी बाबूजी पानी। रुक जा, छोड़ दो उस बच्चे को, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ, तो बच्चों को बचाने वाले बालवीर तुम ही हो, तुम मुझे रोकोगे? पतंगा परी को रोकना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हट जाओ मेरे रास्ते से। चला जाऊंगा पतंगा परी, लेकिन तुम्हारा अंत करने के बाद, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो उसे। चेतावनी? अब मैं देती हूँ तुम्हें चेतावनी, ये देखो। नहीं कर रहा, हे विस्तार परी, मेरे तीरों में अपनी शक्ति भर दो, पतंगा को नष्ट कर दो। के बाद भी पर क्या करूं, मेरा कुछ काम अधूरा है इसलिए जाना पड़ेगा। बहुत जिद्दी हो तुम बाल्वी, तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा।
बालवीर, बालवीर हो कहाँ तुम? बालवीर, बालवीर हो? बालवीर, अरे वो ये क्या सब बालवीर? हाँ हाँ, करो मत चिंता, वो मैं चुड़ा था अभी तुम्हें। अरे ये धागा कैसा है? नहीं रहा ये टूट क्या? हे, मेरे पास भी धागा तेज और मजबूत है जो बना बालपरे के बालों से। मुंह काटता अभी मैं इससे। धन्यवाद दुबारे भाई। हाँ लेकिन बालवीर, हुई कैसे तुम्हारी ये हालत? है कहाँ मानव? और थी कौन वो पतंग बना जिसने मानव को बंधक? दुबारे भाई, वो कोई मामूली पतंग नहीं थी, बल्कि वो पतंगा परी थी। बहुत ही बुरी और शक्तिशाली है। बालवीर, और उसने मानव को ही। बालवीर कहाँ है आप? बालवीर, नहीं परी मुझे बुला रही। हो सकता है उन्हें पतंगा परी के बारे में कुछ अधिक जानकारी मिली। दुबारे भाई, हनी परी मुझे पुकार रही है। डुबा डुबाई, हमें सबसे पहले परी लोग जाना चाहिए। हो सकता है रानी परी हमें पतंगा परी के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहती। चलो एक पल रुको। चलो बस बाबूजी बस। रॉकी, रस्सी लेके आ जा। रस्सी क्यों? माँ एक मौका दो मुझे, इस आखिरी ट्राई में अलमारी खुलती है तो अच्छा है, वरना फिर तोड़ देंगे। ला 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 ला। अरे ये जो रस्सी अंदर आ रही है ना, इसे कस के पकड़ना बापूजी। हाँ कस के पकड़ के रखना, हम लोग बाहर से खींचेंगे तो ये दरवाजा खुल जाएगा। हाँ बापूजी, बापूजी। अरे बताइए ना, रस्सी पकड़ेगी नहीं आप? अलमारी में से निकल गए। महेश, ऐसा बापूजी बोल रहे हैं? महेश, बापूजी अलमारी से तो बाहर निकल गए, लेकिन उनके गले से सीटी कैसे निकलेगी? आइडिया। बालवीर, हमने अपनी गुप्तचर परियों के द्वारा पतंगा परी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो जल्दी बताइए रानी परी, क्योंकि वो एक के बाद एक सभी बच्चों का अपहरण करती ही जा रही है। बालवीर, पतंगा वास्तव में एक बुरी परी है जो पतंग लोक में रहती है और पतंग के रूप में वो बच्चों को उड़ाकर ले जाती है। लेकिन क्यों और आखिर मकसद क्या है उसका? बालवीर, पतंगा परी एक मायावी और महाशक्तिशाली मणि चाहती है जिसे वो केवल बच्चों के द्वारा ही प्राप्त कर सकती है, और अगर उसे मणि प्राप्त हो गई तो वो सर्वशक्तिमान बन जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे उसे रोकना ही होगा, और वो भी किसी भी हाल। लेकिन रानी परी, मेरा जादू उस पर नहीं चला और वो मेरे सामने से मानव को उठाकर ले गई। बालवीर, आपका जादू पतंगा परी पर नहीं चलेगा, यहाँ तक कि हम में से किसी भी परी का जादू
पतंगा परी पर नहीं चल सकता। तो रानी परी, उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है। क्या माँ, जल्दी बताइए। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही पतंगा परी का अंत करने के लिए तुम्हें पतंग बनकर उड़ना होगा, उससे पेश लड़ाना होगा और उसे काटना होगा, तभी पतंगा परी का अंत हो सकता है। तो ठीक है माँ, अब मैं पतंग लोक जाऊंगा और पतंगा परी का अंत करके बच्चों को छुड़ाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, पतंगा परी की डोर बहुत तेज है। जी डरी परी। रुकिए बागर। है पतंग के साथ डोर भी जरूरी, इसलिए हूँ मैं भी आना चाहता आपके साथ। है मुझे भी पतंग उड़ाने का अच्छा अनुभव, शायद कर सकूं मैं भी तुम्हारी कोई मदद। तो ठीक, चलो डुबा डुबाए चलो। रहे हो बच्चों, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा बालवीर यहाँ नहीं आने वाला, वो तो फंसा होगा कहीं मेरे जादुई धागों में बंधकर। क्या? चला था मुझसे उलझने के लिए और खुद ही उलझ कर रह गया। पतंगा परी, इतना घमंड मत करो, बालवीर आएगा और हम सबको छुड़ा कर भी लेके जाएगा, और याद रखना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, देख लेना। नादान बच्चों, तुम्हें पता नहीं है कि पतंग लोक में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, और अगर गलती से आप ही गया तो वापस नहीं जा सकता। क्या? अब लटके रहो यहीं पे, जब तक मुझे और बच्चे नहीं मिल जाते। अब मुझे मणि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, और मैं बन जाऊंगी सर्वशक्तिमान। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।